श्रीगंगानगर जिले में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण जिले में जलभराव हो गया है। बरसात की वजह से उपजी निकासी की समस्या को अब आर्मी दूर करेगी। बरसाती पानी की निकासी के लिए जिला प्रशासन ने आर्मी को बुलाया है। साथ ही जिला प्रशासन और गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने आमजन से बरसात के मद्देनजर आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। विधायक गौड़ ने बताया कि बरसाती पानी की निकासी के लिए जिला प्रशासन ने आर्मी को बुलाया है। आर्मी की टीम पहुंच गई है। पुरानी आबादी सहित निचले क्षेत्रों में बरसाती पानी की निकासी के लिए टीमों को भेजा गया है। प्रभावित क्षेत्रों से पानी निकासी करवाने की जल्द व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि गंगानगर में लगातार तीन दिन से भारी बारिश के कारण जलभराव है। स्थिति संभालने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों से भी संपर्क कर पानी निकासी के लिए बड़े बर में मंगवाए गए हैं। निकासी की व्यवस्था सुचारू करने के लिए जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश में 15 जुलाई से प्रिकॉशन बूस्टर डोज 18 से 59 वर्ष के आयु के लोगों को लगाई जा रही है। राजधानी जयपुर में पहले ही दिन सभी स्लॉट फुल हो गए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रिकॉशन बूस्टर डोज निःशुल्क लगाई जा रही है। प्रदेश में बूस्टर डोज लगाने का अभियान 75 दिन तक चलाया जाएगा, जहां 18 से 59 साल की आयु के लोग कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर प्रिकॉशन बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। जयपुर जिले के कुल 46 सेंटर पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। शहर के 14 सेंटर्स पर शुरू होने से पहले ही स्लॉट पूरी तरह बुक हो चुके हैं। राजस्थान में 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के 4,34,83,715 प्रिकॉशन डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण नोडल अधिकारी डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में करीब 82 लाख डोज स्टॉक में है। अलवर चिकित्सा विभाग के अधीन कार्यरत हेल्थ केयर वर्कर्स एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स को जुलाई माह का वेतन लेने से पूर्व कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने का प्रमाण पत्र देना होगा। अलवर जिला कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर ने टीकाकरण समय का पूरा नहीं करने पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। साथ ही सभी को कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने के लिए भी कहा है। अलवर जिले में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 4,21,579 लोगों को बूस्टर डोज लगवानी थी, लेकिन इसमें से अभी 1,12,108 ने ही बूस्टर डोज लगवाई है, जो कि लक्ष्य का 26.6% ही है। अलवर जिले में 29,659 हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगानी थी, जिसमें अभी तक 14,017 को ही बूस्टर डोज लगी है, यानी 47.6% ने ही लगवाई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 26,141 बूस्टर डोज लगनी थी, इसमें से 14,473 को ही लगी है, जो कि लक्ष्य का 55.4% है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि राज्य का आगामी बजट युवाओं और विद्यार्थियों पर केंद्रित होगा। गहलोत ने बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण के बाद कार्यक्रम में कहा कि इस बार उन्होंने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया था। अब उन्होंने घोषणा की है कि राज्य का अगला बजट विद्यार्थियों और युवाओं को समर्पित होगा। उन्होंने कहा कि मैं आम जनता से अपील करता हूं कि अगर आप युवाओं और विद्यार्थियों बजट पर कोई सुझाव देना चाहें तो हम उनका स्वागत करेंगे। गहलोत ने दावा किया कि राज्य सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में अब तक लगभग 1,25,000 लोगों को नौकरी दे चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट HPCL राजस्थान रिफाइनरी का काम तेज गति से जारी है। अब तक 51% काम पूरा हो गया है। माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक सभी 13 मैकेनिकल इकाइयों का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए रोड मैप तैयार किया है। रिफाइनरी की शुरुआत होते ही 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। खास बात है कि विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से 5 गुना अधिक कंक्रीट का उपयोग रिफाइनरी निर्माण में होगा और एफिल टावर से 40 टाइम अधिक स्टील का
उपयोग किया जाएगा। राजस्थान सरकार में माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इससे राजस्थान की इकोनॉमिक तस्वीर बदल जाएगी। उच्च स्तरीय बैठक में HPCL व राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से काम को लेकर चर्चा की है। रिफाइनरी के अधिकारियों ने कहा है कि रिफाइनरी की 13 में से 4 यूनिट का काम जून 2023 व 3 मैकेनिकल इकाइयों का कार्य सितंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर शातिर ने एक युवक का मोबाइल चोरी कर लिया और फ्रॉड तरीके से मोबाइल का लॉक कोड पूछकर बैंक खाते से 1.5 लाख रुपए निकालकर चपत लगा दी। मेल का इनबॉक्स चेक करने पर धोखाधड़ी का पता चला। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वारदात रिंगस सीकर निवासी लोकेश कुमार मीणा के साथ हुई। वो 13 जुलाई की शाम करीब 5:30 बजे पत्नी वंदना के साथ जयपुर आया था। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर उतरने के बाद कॉल कर मोबाइल को जेब में रख लिया। कुछ देर बाद कैब बुकिंग के लिए जेब संभालने पर मोबाइल गायब मिला। पत्नी के मोबाइल से अपने मोबाइल पर कॉल किया। कॉल उठाकर एक व्यक्ति बोला, मैं शनि मंदिर के पास हूँ, मुझे आपका मोबाइल गिरा मिला था, यहाँ आकर मेरे से अपना मोबाइल ले लो। शनि मंदिर के पास पहुंचकर दोबारा कॉल किया तो बोला 5 मिनट में आ रहा हूँ। काफी इंतजार के बाद भी नहीं आया। कॉल करने पर बोला, अपने मोबाइल का लॉक कोड बताओ, मैं अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ। लॉक कोड बताने के बाद शातर ने पेटीएम से 5 ट्रांजेक्शन किए। खाते से 1,46,800 रुपए निकालकर चपत लगा दी। मेल के इनबॉक्स चेक करने पर फ्रॉड का पता चला। कॉल करने पर मोबाइल स्विच ऑफ था। सिंधी कैंप थाने जाकर पीड़ित ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चेहरे पर उत्साह, आंखों में खुशी, संवाद व अभिनय का अभ्यास करते कलाकार। जी हाँ, ये नजारा है जवाहर कला केंद्र का। 13 व 14 जुलाई को JKK की ओर से 2 दिवसीय ऑडिशन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कलाकारों ने भाग लिया। गौरतलब है कि दशहरा महोत्सव के मद्देनजर अक्टूबर माह में जवाहर कला केंद्र में इनहाउस प्रोडक्शन के तहत विशाल नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा। इसमें कलाकारों को वरिष्ठ नाट्य निर्देशक श्री अशोक राही के निर्देशन में अभिनय करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए लगभग 300 कलाकारों ने ऑडिशन में रुचि दिखाई। जवाहर कला केंद्र ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग से जुड़े कलाकारों को डिजिटल मंच पर पहचान बनाने का अवसर प्रदान करने जा रहा है। इस उद्देश्य के साथ 16 से 17 जुलाई तक ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग विद एडोब इलस्ट्रेटर नामक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। श्री शैलेंद्र सिंह बतौर प्रशिक्षक कलाकारों को उक्त विषय पर जानकारी देंगे। श्री शैलेंद्र सिंह मूलतः जयपुर निवासी हैं और वर्तमान में कैनेडा में कार्यरत हैं। चूरू जिले की तारानगर तहसील स्थित एक गांव की 19 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। युवती का कहना है कि उसे वीडियो क्लिप के बदले ब्लैकमेल किया गया और कुछ रकम भी मांगी गई। असमर्थता जताने पर दुष्कर्म किया गया। लड़की ने अपने पिता संग थाने पहुंच रिपोर्ट दर्ज कराई। DSP ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि तारानगर थाने में लड़की ने नामजद रिपोर्ट में बताया है कि उसकी लगभग 1 साल पहले दूसरे गाँव में आरोपी से मुलाकात हुई थी। वो उस गाँव में किसी शादी समारोह में गई थी। कथित तौर पर आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर किसी से हासिल कर लिया और तभी से परेशान करने लगा। पीड़ित के मुताबिक वो उसे जबरन मिलने के लिए बुलाने लगा। जब लड़की ने मना किया तो परिवार को मार डालने की धमकी दी। रिपोर्ट में लड़की ने कहा है कि चूंकि वो धमकी से डर गई थी, इसीलिए मिलने चली गई। लड़की ने मुलाकात का गलत फायदा उठाया और उसके साथ जबरदस्ती की। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। तंग आकर जब लड़की ने घर वालों को बताने की बात कही तो आरोपी ने कथित तौर पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लड़की से बड़ी रकम की डिमांड करने लगा। आरोप है कि दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी भी दी। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में शुक्रवार को बुजुर्ग महिला के पैसे और मोबाइल की चोरी करने वाले 3 लोगों को अस्पताल में मौजूद लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। चोरों के पकड़े जाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस गैंग में 2 पुरुष और 1 महिला थी। जैसे ही महिला को उसके सामान की चोरी के बारे में पता चला तो उसने जमकर शोर मचाया। इस बीच अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों ने भागते चोरों को पकड़ लिया। जिले के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में अलवर के अलावा दौसा, भरतपुर और मेवात क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। प्रतिदिन अस्पताल में 4,000 से ज्यादा मरीजों की OPD रहती है। वहीं 500 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती रहते हैं। अस्पताल में सुरक्षा के इंतजाम कम है, जिसका फायदा अस्पताल में चोरी करने वाली गैंग उठाती है।